मुमरा कौसा में महानगर पालिका द्वारा धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले भिवंडी में एक इमारत के गिर जाने से कई मौतें हो गई, कई लोगों के घायल होने की पुष्टि भी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर थाने महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति द्वारा मुमरा कौसा में धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी प्रकार से आज सोमवार 28 सितम्बर दोपहर में 3:15 से 3:30 बजे के दरमियान मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर में मार्केट है। मुमरा मार्केट में स्थित बॉम्बे कॉलोनी के इलाके में दो इमारतों पर मुमरा प्रभाग समिति के 9 निर्वाचित सहायक आयुक्त सागर सालुंखे, कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी के साथ साथ महानगर पालिका के अन्य अधिकारी और टोरंट विभाग के अधिकारियों समेत बॉम्बे कॉलोनी परिसर की हनीफा मंजिल और 70 मंजिल पर कार्रवाई की गई। इस बिल्डिंग को लगभग 6 से 7 महीने पहले महानगर पालिका ने नोटिस भी दिया था, परंतु इस बिल्डिंग के रहिवासियों ने इसको दरगुजर कर दिया, जिसके बिना पर मजबूरी में महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को यह कार्रवाई करना पड़ा। इनके पानी के कनेक्शन और इलेक्ट्रिक और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन परिसर में 60 बिल्डिंगों को अति धोखादायक करार दिया गया है, जिनमें से 38 इमारतों के रहिवासियों ने अपना रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। बची हुई 22 इमारतों पर महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, और ये कंपलसरी भी है, क्योंकि घटनाएं कहकर नहीं आती है। जब कहीं इमारत गिर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। समय पर महानगर पालिका इन इमारतों पर कार्रवाई कर रही है, इसमें रहिवासियों का भी लाभ है। आइए हम आपको दर्शाते हैं किस प्रकार से मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने इन इमारतों पर कार्रवाई की। ये जो धोखा देक बिल्डिंग है, उनको लेटर देके 6 महीना 1 साल हो गए, हम तो कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा सर, उनको लेटर दिया, बहुत बार दिया लेटर जी, मगर वो पैसा भी नहीं जमा करते, काम भी नहीं करते। इसके लिए आज एक्शन ले रहे हैं, अपन लाइट पानी कट करते हैं। अच्छा सर, आदेश अनुसार सर, कौन सा बिल्डिंग है सर? इसमें टोटल 60 बिल्डिंग था, जिसमें 38 लोगों ने काम चालू किया। अच्छा, 20 बिल्डिंग बचा। अच्छा, 22 बिल्डिंग जी। तो 28 में से कल 10 कट किया जी, 22 में, और आज 10 जी सर, 20 आज ही पूरा कट कर, सिटी का बिल्डिंग है, सब कनेक्शन लाइट पानी कट हो जाएगी। सर, आप लोगों ने पहले इसमें नोटिस दे दिया था ना सर? सब नोटिस बिटिस सब डिटेल प्रोसेस पूरा किया है, पूरा 60 बिल्डिंग है, 6 से 7 महीना हो गया जी सर। मगर 38 लोगों ने बिल्डिंग का काम चालू भी किया जी, इसके लिए उनको छूट दे रहे हैं। तो महानगर पालिका द्वारा आज सख्ती से कार्रवाई हो रही है सर? सख्ती से कार्रवाई नहीं, ये कंपलसरी है जी, करना ही पड़ेगा अभी हमको, क्योंकि रिपेयर के लिए 6-7 महीने में पैसा भी नहीं निकलते, काम भी नहीं करते जी, ना कुछ प्रॉब्लम हो, लेटर भी लिखित नहीं देते। नहीं देखा ना किसी कि अभी हम पीछे लगे ना तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो हमने यहाँ कुछ नहीं करता, 6-7 महीने किए नहीं ना कुछ, थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि जो डेंजर पोर्शन है उतना तो रिपेयरिंग चालू करते करेंगे ना अभी आप, बराबर है, बिल्डिंग की जान तो बचाएंगे तो तुम्हारी जान बचेगी। इसका नहीं उसका नहीं, क्या का चालू कुछ नहीं, अभी आज जब हम घूम रहे 4-5 दिन से तभी मालूम पड़ रहा है, तब कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे, कंसल्टेंट को बुला रहे, पहले करना मंगता था ना, पेपर वर्क भी नहीं किया ना बस सही, अभी थोड़ा हेल्प, आज कंसल्टेंट आएगा फिर टेस्टिंग करेगा फिर रिपोर्ट देगा, इतनी बारिश गिर रही है
अरे तुम्हारे को बाहर निकल के रिपेयर करना है, हम नहीं निकल रहे, तुमको काम दे रहे। अच्छा, तुम्हारे बिल्डिंग है ना सीपीए में, बाहर निकल के रिपेयर हो तो बहुत सबसे बेस्ट। बाहर नहीं निकाला, अरे अगले टाइम बार तो बाहर निकालूंगा तुमको, काम नहीं चालू कह रहे, बाहर निकालूंगा। ये थी हमारी मुमरा कौसा में थाने महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति द्वारा की गई कार्रवाई पर जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।